हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं वीडियो बहुत दिनों बाद बना रहा हूँ। एक्चुअली मैं कहीं बाहर था इसलिए। तो अभी जो ये आप देख रहे हैं, ये है मेरी जेनी और ये जेनी के बच्चे हैं। मेरी जेनी ने मतलब 1 वीक हो चुका है जब इसने बच्चे दे दिए हैं। तो आप देख सकते हैं कितने प्यारे पपीज़ हो रहे हैं। और मैंने इसकी कोई वीडियो अपलोड नहीं करी थी, ना ही इसके फर्स्ट मेटिंग वगैरह मतलब मेटिंग की, और ना मैंने वीक बाय वीक दिखाया, क्योंकि वीक बाय वीक इसकी ऑलरेडी 2 प्रेगनेंसी की वीडियो पड़ी हुई है। तो मुझे लगा नहीं कि मुझे और वीडियो दिखानी चाहिए। तो बस ये मैं एक जो लास्ट वीडियो में आपको बोल रहा था कि मैं एक सरप्राइज़ है जो मैं आपको बताऊंगा, तो वो यही सरप्राइज़ था कि जैनी के बच्चे हो गए हैं। तो आप देख सकते हैं कि क्यूट पपीज़ हैं, और ये जो 5 बच्चे हैं ये सारे के सारे फीमेल्स हैं। तो ये जो सारे पपीज़ हैं, और अभी इसमें से आप कोट का कुछ पता नहीं चलेगा कि कौन सा डबल कोट है या सिंगल कोट है, क्योंकि जो मेल था जिससे हमने मेटिंग कराई थी वो डबल कोट का था, प्योर डबल कोट था, और ये जेनी हमारी सिंगल कोट की है। सो बच्चे डिपेंड करता है कि मदर पे जाएंगे या फादर पे जाएंगे। तो अभी तो छोटे हैं 1 हफ्ते के, अभी पता नहीं चलेगा ऐसे। तो इस तरीके से अभी मैं तो बस वैसे तो मैं वीडियो बनवा सकता था, मतलब जब इसने डिलीवरी करी या जब इसने बेबीज दिए 1-2 दिन में, पर मुझे लगा कि अभी पपीज़ को थोड़ा बड़ा होने देते हैं, उसके बाद आपको दिखाते हैं कि इतने बड़े पपीज़ हो रहे हैं अभी। तो काफ़ी हेल्दी पपीज़ है, काफ़ी अच्छे पपीज़ हो रहे हैं, जैनी की तरह एक्टिव हैं, ढीले वगैरह कुछ कोई नहीं है, मदर मिल्क प्रॉपर हो रहा है अभी, है ना। और जैसे कुछ वीडियोज़ में मैंने बताया था आपको कि लैक्टोज के बारे में, जो फीमेल को देते हैं अराउंड 45 या 50 डेज़ के अराउंड देते हैं, MG कुछ मिलीग्राम के हिसाब से मतलब उसको दवाई को देते हैं, वो डॉक्टर से पूछ कर देते हैं, जिससे क्या होता है कि फीमेल में दूध की कमी नहीं होती है, तो जिस वजह से बच्चों को भी दूध के लिए कोई वो नहीं होता है कमी, और बच्चे आराम से अपना पेट भरते हैं। तो वो गोली लैक्टोज की आप दे सकते हैं डॉक्टर से पूछ कर, बिना किसी से पूछे आप मत देना, डॉक्टर से एक बार ज़रूर कंसल्ट करना उसके बारे में। तो अभी ये था, और इसको मैं डिलीवरी के बाद तुरंत चिकन वगैरह अंडा वगैरह, मैंने गर्म चीज़ वगैरह कुछ नहीं दी, थोड़ा ऐसे ठंडा खाना मतलब लस्सी वगैरह जो दही वगैरह होती है वो सब इसको फीड कराया मैंने। और अभी ऑलमोस्ट 4-5 डेज़ हो गए थे, तो फिर से इसको मैंने थोड़ा चिकन विकन, ताकि थोड़ा हेल्दी रहे, यू नो, मदर और मदर का मिल्क बना रहे, इसलिए इसे चिकन वगैरह अंडे वगैरह राइस और जो बॉइल्ड वेजिटेबल्स होते हैं वो सब दे रहा हूँ, और रोटी वगैरह भी आप दे सकते हैं। तो ये सब खाना इसे भरपेट दीजिए, ताकि अच्छे से मदर का पेट भरा रहे और बच्चे भी हेल्दी रहे। तो ये था इस वीडियो में जो आपको बता रहा हूँ। तो देख सकते हैं आप पपीज़ कितने क्यूट लग रहे हैं, 1 हफ्ता हो चुका है अभी। आगे की मैं आपको अपडेट दूंगा जब ये अराउंड मतलब इनकी आंखें खुल जाएंगी। इनकी आंखें खुल जाती है 12 से 13 दिन के आसपास, तो तब मैं एक वीडियो बनाऊंगा, उसमें आपको दिखाऊंगा पपीज़ की जब आंखें खुल जाएंगी, क्योंकि उसके बाद तो फिर पपीज़ खुद ब खुद मूवमेंट कर खुद ब खुद फीमेल के पास चले जाते हैं। वैसे अभी जब पपीज़ है ये ऑलरेडी, ऑल्दो इनकी आंखें बंद है, फिर भी ये खुद ब खुद मदर का मिल्क पीने चले जाते हैं, पर फिर भी ध्यान रखना पड़ता है, इनको दूध पिलाओ, दूध पिला के हल्का सा, जब इसको दूध पिला दोगे, बच्चे जब चिल्लाते हैं ना जिस वक्त पे, उस वक्त पे इनको दूध पिलाओ, उसके बाद साइड पे रख दो, इन्हें मदर से दूर रखो, कोई जाली जैसी या कोई पेटी जैसी चीज़ रखो जिस पे मदर चढ़े ना, अगर मदर उस पे चढ़ेगी तो पेटी टूट जाएगी और उन्होंने बच्चे भी दबा सकती है, क्योंकि जब बच्चे चिल्लाते हैं तो मदर काफ़ी वो हो जाती है एक्टिव अपने बच्चों को लेकर। तो इसलिए बच्चों को सेफ जगह पे रखो दूध पिलाने के बाद, और जैसे ही वो चिल्लाने लगे तो उसको टाइम टू टाइम दूध पिलाओ, भले रात को चिल्ला रहे हो। अब अगर आप ब्रीडिंग कर रहे हो, अगर आप फीमेल पाल रहे हो, बच्चे उसके हो रहे हैं, तो आपको केयर करनी पड़ेगी। तो इस तरीके से आप मदर बच्चों को टाइम टू टाइम दूध पिलाइए, बच्चे हेल्दी रहेंगे। तो बस ये कुछ प्रिकॉशंस है कि आप अपने फीमेल से बच्चों को बचा कर रखना, कहीं बच्चे गलती से दबा ना दे। अब जनरली ऐसा होता नहीं है, पर फिर भी इन केस जैसे मेरे लीजा के साथ हुआ था, तो मैं नहीं चाहूँगा कि जैनी के साथ भी कुछ ऐसा ही हो। तो बच्चों को दूध पिलाया और साइड में रख दिया, और जैनी को खुला छोड़ा। तो बस यही था इस वीडियो में गाइस, आपके लिए छोटा सा सरप्राइज़ था। सो होप सो आपको वीडियो पसंद आया हो, वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना चैनल को, और जल्दी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ आऊँगा और पपी से फिर आपको मिलाऊँगा। सो बाय बाय, टेक केयर।